आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में अपने गांव में मारा गया हिजबुल का मुखिया रियाज नायकू, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 40 किलो विस्फोटक से उड़ाया घर, दूसरा आतंकी पास के घर में जा छिपा। रियाज नायकू पर था 12 लाख का इनाम, सूत्रों के मुताबिक बीमार सा मां से मिलने गांव आया था नायकू। आतंकी बनने से पहले रियाज नायकू था गणित का टीचर, बुरहान वाणी के मारे जाने के बाद बना हिजबुल का चीफ। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहता था नायकू, इस साल करीब 12 लोगों को संगठन में किया था शामिल। हिजबुल चीफ के गांव बैकवर में कल से सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके को किया गया सील। आज पुलवामा के शरशीर में भी चल रही थी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकवादी। शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा गाजीपुर, आखिरी विदाई में उमड़ी भीड़। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए अश्विनी कुमार यादव, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बिहार के गया में पहुंचा हंदवाड़ा में शहीद जवान संतोष कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मरकज चीफ मौलाना साद पर कसा शिकंजा, बेटे से क्राइम ब्रांच ने की 2 घंटे तक की पूछताछ। पुलिस ने मांगी मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट, सरकारी अस्पताल में जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की ताकीद। पुलिस ने मौलाना साद के बेटे से मरकज आने जाने वालों की मांगी जानकारी, व्यवस्था देखने वाले तकरीबन 20 लोगों की मांगी लिस्ट। क्राइम ब्रांच को मिली थी जानकारी, चार्टर्ड प्लेन से भी आया करते थे कुछ जमाती। मौलाना साद के बेटे से जमात से जुड़े कुछ कागजात भी मांगे गए, साद को भेजे जा चुके हैं 4 नोटिस। कोरोना कर्मवीरों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से हुआ पास। नया कानून स्वास्थ्य मंत्रियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों पर लागू, हमले पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की होगी सजा। कोरोना कर्मवीरों के खिलाफ उकसाने और भड़काने पर भी सख्ती, 2 साल से 5 साल तक की सजा। क्वारंटीन का उल्लंघन करने और अस्पताल से भागने पर 1 से 3 साल तक की सजा, बीमारी छिपाने पर भी 3 साल तक की सजा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण का होगा गठन, मुख्य सचिव सहित 7 अन्य अधिकारी होंगे सदस्य। यूपी में टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सुविधा, 23,000 बेड का इंतजाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बात, कोरोना संकट पर चर्चा। भोपाल में कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर तक पहुंचा, आज तक 1 महीने के बाद खुला दफ्तर। यहां स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी मिले थे कोरोना पॉजिटिव, दफ्तर के हर हिस्से को किया गया सैनिटाइज। कोरोना संकट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह भी बैठक में मौजूद, लॉकडाउन 3 के बाद हालात पर की गई चर्चा। सोनिया गांधी ने कहा 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर किस आधार पर फैसला। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा केंद्र तय कर रही है जोन, जमीनी हकीकत का पता नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत ने कहा अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान, आर्थिक पैकेज की मांग की। दिल्ली में गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना, सीआरपीएफ के 2 जवान संक्रमित। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में काम कर रहे थे सीआरपीएफ जवान, कोविड से जुड़े हुए मामलों को लेकर कर रहे थे काम। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम नंबर 1 को किया गया बंद, सैनिटाइजेशन का काम जारी। सीआरपीएफ के दोनों जवानों के संपर्क में आए थे 38 लोग, सबको किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कोरोना के मामले 11 दिन में 2 गुने। यूपी सरकार ने महंगी की शराब, कैबिनेट दी मंजूरी। यूपी सरकार ने भी बढ़ाया पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 2 रुपए महंगा, डीजल की कीमत में 1 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का गौतम गंभीर ने किया विरोध, कहा वैट बढ़ाकर आम आदमी को किया जा रहा है परेशान। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई केंद्रीय टीम को भेजा गया क्वारंटीन पर, कोरोना पॉजिटिव निकले 5 BSF जवानों के आए थे संपर्क में। बिहार सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गया में 1 एक्टिव केस तो फिर वो रेड जोन कैसे। दिल्ली में शराब की दुकान पर हैरान करने वाली तस्वीर, लोगों ने लगाई भारी भीड़। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लगातार भीड़ जारी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग।
ये भी एक किस्म की दवाई है सर, हमने गिफ्ट देना किसी को। जरूरी तो नहीं है वैसे कोरोना के हिसाब से, अगर जरूरी भी है तो उसको अपने हिसाब से गैप देके रखना चाहिए। दिल्ली के गोल्ड मार्केट में भी शराब की दुकान के बाहर लंबी कतारें, भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान तैनात। लॉकडाउन में फरीदाबाद में भी खुले शराब के ठेके, लोगों की लंबी कतार। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 49,300 से ज्यादा मामले। कोरोना से अब तक 1,694 लोगों की मौत, 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्लास्ट, कल से अब तक 842 लोगों में संक्रमण, 15,500 से ज्यादा केस। गुजरात में नहीं काबू में आ रहा कोरोना, कल से लेकर अब तक 49 की मौत, संक्रमितों की संख्या 6,200 से ज्यादा। दिल्ली में भी बेकाबू कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों का आंकड़ा 5,100 से ज्यादा, अब तक 64 लोगों की मौत। राजस्थान में तेजी से फैल रहा है कोरोना, जयपुर में कोरोना के मामले 1,100 के पार। राजस्थान में झुंझुनू में शराब की दुकान के खिलाफ एकजुट हुआ गांव, धरने पर बैठे लोग। सूरत में मजदूरों के पलायन के बाद कपड़ा उद्योग पर संकट, मजदूरी मिले बिना नहीं हो सकता शुरू काम। राजस्थान के उद्योग जगत में पैदा हुआ मजदूर संकट, उद्योगपतियों ने सरकार से लगाई गुहार। रीवा में 1 साल की बच्ची मिले कोरोना के लक्षण, सूरत के रेड जोन से लौटा था परिवार। हरियाणा में आज से शुरू हुई शराब की बिक्री, शाम 7 बजे तक खुलेंगे दुकानें, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा बैन। मुंबई में शराब की बिक्री पर लगी रोक, बीएमसी ने दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए किया फैसला। पंजाब में 7 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे ठेके, शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी। तेलंगाना में भी आज से खुली शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पुलिस की तैनाती। राजस्थान में सीएम हाउस का ड्राइवर कोरोना संक्रमित, 3 दिन पहले तबियत हुई थी खराब। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज से भागे 2 कोरोना संदिग्ध, पुलिस ने पकड़ा, मामला दर्ज। एमपी के रायसेन में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक पलटा, 34 मजदूर घायल। एमपी के नरसिंहपुर में महिला अधिकारियों की शराब की दुकान पर छापेमारी, पिछले दरवाजे से बिना मास्क शराब बेच रहा था दुकानदार। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने की शराब की दुकानें बंद करने की मांग, कोविड टैक्स लगाने की गुहार। राजस्थान के जोधपुर में दूध बेचने वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग का निकाला अनोखा तरीका, बाइक पर बांधा पाइप। बिहार के कैमूर में 16 मरीज ने कोरोना से जीती जंग, लौटे अपने घर। पंजाब के बठिंडा से घर में ताला लगाकर कोरोना संक्रमित शख्स फरार, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम पहुंची थी घर। मध्य प्रदेश के नीमच में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव, सभी रिश्तेदार, पूरा इलाका सील। प्रयागराज में एक ही परिवार में कोरोना के 5 मरीज, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, पूरा इलाका सील। राजस्थान में जैसलमेर के एक गांव में 2 गुटों के झगड़े में पुलिस पर पत्थरबाजी, 3 पुलिसकर्मी घायल। नशे में चूर एक शख्स ने दिल्ली की कुतुब मीनार की 4 दीवारी में मारी टक्कर, दीवार को 50 मीटर तक का नुकसान। टक्कर के बाद गाड़ी में लग गई थी आग, सुरक्षा गार्ड ने युवक की बचाई जान। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव 54 साल के शख्स की मौत, 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती थी। जालंधर में भी कोरोना के कारण एक शख्स की गई जान, शहर में 157 लोग कोरोना पॉजिटिव। राजकोट से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची बलिया रेलवे स्टेशन, 50 बसों से भेजा गया घर। यूपी के आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, गाड़ियों में मजदूरों को भरकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। एमपी के भिंड में गायब हुई जब्त की गई शराब, एसपी ने टीआई और हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में इस साल नहीं होंगी वार्षिक परीक्षाएं, नए दाखिलों पर भी जारी रहेगी रोक। यूपी के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने रोका, डॉक्टर्स ने कहा अगर लक्षण मिले तो लिए जाएंगे सैंपल। पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना का बढ़ा प्रकोप, 293 जवान संक्रमित, 2 दिन के बाद खुला सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नगर निगम ने किया फीवर क्लिनिक का उद्घाटन, कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने की भी होगी सुविधा। अलीगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स, शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा। एमपी के छिंदवाड़ा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 5,000 का जुर्माना, पहले दिन 10 लोगों पर लगाया गया जुर्माना।
बिहार के दानापुर क्वारंटीन सेंटर से भागे 15 मजदूर, बारिश की वजह से खुद ही लौटकर वापस आए। दिल्ली के कल्याणपुरी में एसीपी दफ्तर का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव, एसीपी समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन। झारखंड के जामताड़ा में हड़ताल पर सफाईकर्मी, पुलिस वालों पर लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप, कार्रवाई की मांग की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंबई में बन रहा है 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल, प्रवासी मजदूरों ने की मजदूरी न मिलने की शिकायत। रांची के सबसे बड़े पहले अस्पताल रिम्स में डॉक्टर्स के नाम पर ठगी, फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर मांगे साथी डॉक्टर से पैसे। यूपी के सहारनपुर से अच्छी खबर, ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से 40 बीमार हुए डिस्चार्ज, डॉक्टर्स ने फूल देकर घर भेजा। रामपुर में शुरू की गई मोबाइल मेडिकल सर्विस, दवाइयों और दूसरी जरूरी सामान की होगी होम डिलीवरी। यूपी में सीतापुर के खैराबाद में पूरे गांव ने कोरोना वॉरियर्स के लिए दिया एक एक रुपया दान, कलेक्टर को सौंपी रकम। प्रवासी मजदूरों के लिए हरियाणा से चलेंगी 6 ट्रेनें, अगले 3 दिन में 1200 लोगों की होगी घर वापसी। पंजाब के बरनाला जिले में थानों में लगी स्वचालित मशीनें, अब बिना हाथ लगाए हाथ धो सकेंगे पुलिस वाले। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूरों का दर्द सामने आया, घर वापसी के लिए किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने बेचे अपने गहने। राजस्थान के भरतपुर में यूपी से आने वालों की एंट्री बंद, पत्थरों और गड्ढे खोदकर किया रास्ता बंद। मुंबई में प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 स्पेशल ट्रेन रवाना, बिहार और आंध्र प्रदेश वाले लोगों को लेकर निकली ट्रेन। लुधियाना में साइकिल उद्योग जगत को बंद होने का डर, सरकार ने से अगले 6 महीने के लिए ब्याज माफ करने की अपील की। गुजरात से गोरखपुर पहुंचे 1350 यात्री, थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के बाद घरों के लिए रवाना। सिरसा में कोल्ड स्टोर पर खाद्य आपूर्ति विभाग का छापा, लॉकडाउन से पहले स्टोर किया गया मावा बेचने की फिराक में दुकानदार थे। बिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 2 की मौत, खेत पर काम करते वक्त हादसा।